सरोकार। नवादा में नेहरू युवा केंद्र ने शुरू की अनोखी पहल, महिलाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। भागलपुर में बाराहट पंचायत की सरकारी योजना में हुआ घोटाला, मुखिया पर लगा निर्माण राशि के गबन का आरोप। मधुबनी में हस्तकला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का आयोजन, कलाकारों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, बिहार के उद्योग मंत्री ने किया स्टॉलों का निरीक्षण। सहरसा में नशे के कारोबार के खिलाफ चला अभियान, शराब कारोबारी और संरक्षक हुए चिन्हित। मुजफ्फरपुर में गांधी जी की प्रतिमा हुई चोरी, 24 घंटे बाद मिली टूटी प्रतिमा, लोगों ने निकाला आक्रोश कैंडल मार्च। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और मधुबनी फोक पेंटिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में हस्तकला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के उद्योग मंत्री ने कहा कि मधुबनी पेंटिंग्स की तरह गोबर पेंटिंग को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ इसे व्यावसायिक मंच प्रदान करने के लिए विशेष पहल की जाएगी। कला को जीवन यापन का आधार बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में कलाकार भविष्य बेहतर बना सकते हैं। उद्यमी अगर पूरे देश में है तो दिव्यांग उद्यमी बिहार में है, ये सोच है। इसलिए हमारा सोच इसलिए कि 8 साल पहले हम स्पेशल ओलंपिक से जुड़े हुए थे, हम पूरे स्टेट के चेयरमैन हैं, पैरालंपिक के चेयरमैन हैं, और हमने पाया कि जहां पर स्पोर्ट्स वाले को कोई लाभ नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, और जब अवार्ड लेकर के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लेके आता था मात्र 11,000 रुपए तक मिलता था। भागलपुर के पीरपैथी प्रखंड के 12 पंचायत के मुखिया लाल मुनि साह के द्वारा पंचायत की योजनाओं में भारी घोटाला किया गया है, जिसमें 1,15,00,000 की योजना की खानापूर्ति कर योजना में भारी घोटाला किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया ने पंचायत सरकार भवन की राशि का गबन कर लिया है, जिसकी सरकार को जमीनी स्तर जांच करनी चाहिए। यही नहीं, सरकार पंचायत में खर्च किए जाने वाली तमाम योजनाओं की जांच कराए ताकि विकास जमीन पर दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं। डेढ़ नंबर के 3 नंबर दिल से बताइए, अपना बोलिएगा, अपना दिल से बताइए। ईटा लगावा और जगह काम भी करते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं और आप जो है अपना परिवार को समझ के काम बात बताइए कि अपने इसमें जो अपना काम जो होता है, 3 नंबर का ईटा है कि 1.5 नंबर का, दिल से बताइएगा। अरे 3 नंबर है कि 1.5 नंबर के सामने है सर? 3 नंबर है ना, बोलिए ना। 3 नंबर है ना? 1.5 नंबर है सर। 1.5 नंबर ईटा तो हो नहीं सकता, 1.5 नंबर बोल के देवे करता है भट्टा, तो 3 नंबर करवे नहीं करता है, कम 3 नंबर होवे ना करता। अच्छा, मसाला का है पुराना एकरो ऊपर में खाली ढलिया कर दल के और पाया पहले से चला, चबूतरा भी पहले से हो तो पाया चलो ना पहले से। हाँ, पाया के बनल को जले पाया संजय सा मंटू रजक पाया उठल को जले आई ढलैया मुखिया जी कर को जो तोरा नाम। भागलपुर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जन वितरण प्रणाली के तहत सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया। इसको लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर जिला शाखा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार को एकजुट कर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय वरुण कुमार के निर्देश पर 1 से 9 जनवरी तक पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार अपना वितरण बंद कर
सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, उसमें हमारा 9 सूत्री मांग है, उसी मांग के समर्थन में हम लोगों ने हड़ताल किया और इसी कार्यक्रम को सफलता के लिए हम लोग आज एक बैठक कर रहे हैं। 1 से 9 तक वितरण हम लोग पूरी तरह भागलपुर के जन विक्रेता बंद रखेंगे और 9 तारीख को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। इसी सब कार्यक्रम को सफलता के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक रखे हैं। इसमें सभी प्रखंड के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं, अपना विचार और सुझाव देंगे। खबर बेतिया की नरकटियागंज से है, जहां कोरोना काल के समय से ही कमीशन की राशि नहीं मिलने तथा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के सभी डीलर अपनी पॉश मशीन जमा कराने प्रखंड खाद आपूर्ति कार्यालय पहुंचे। डीलरों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे वे नाराज हैं। इसको लेकर डीलर संघ ने SDM को आवेदन भी दिया है। डीलरों का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 1 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। माफ कर देंगे जब तक सरकार की नीति सही नहीं होगी। मैंने क्या नीति क्या खराब है? नीति खराब यही है कि कहीं कमीशन है 90 रुपया क्विंटल, कहीं 180 रुपया क्विंटल, कहीं 2 रुपया क्विंटल, मैंने ऐसी यही नीति है, तो उसके खिलाफ में हम लोग मानदेय है, कहीं मानदेय है, मानदेय का मैंने अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मांग लोग किया है, लोग सरकार भी कह रहे कि हम देने के लिए तैयार हैं, यही लोगों का मांग है। सरकार की दुर्नीति के शिकार बनते जा रहे हैं। 2020 से कोरोना काल में हम लोगों के द्वारा सरकार ने हम लोगों के हाथ से PMGKY और NFSA का वितरण करवाया। उसके बाद हम लोग लगातार सब समय करते गए, अपने पैसा भी लगाए, उसको भी वितरण किए, PMGKY भी वितरण किए। और नरकटियागंज से ये बहुत ही अच्छी खबर थी कि यहाँ पे 100% एकदम वितरण बढ़िया से हुआ। बिहार के सहरसा जिले में जदयू विधायक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो 1 सप्ताह पूर्व का है। दरअसल सप्ताह पूर्व महेशी विधानसभा के जदयू विधायक नवहट्टा प्रखंड कार्यालय में जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां विधायक के साथ कई लोग थे और जिस समय विधायक गुजेश्वर शाह पहुंचे थे उस समय BDO जितेंद्र कुमार अपने कार्यालय में नहीं थे। इसी बात को लेकर जदयू विधायक आग बबूला हो गए और BDO जितेंद्र कुमार पर जमकर बरसे। नवादा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा नवादा मंडल कारा में जेल में बंद महिला कैदियों के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण हेतु अनोखी पहल हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। 3 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में 3 दर्जन से अधिक महिलाएं सिलाई कटाई में निपुण होंगी, जिसको लेकर जेल अधीक्षक अजीत कुमार ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र की यह पहल महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। महिलाएं ना सिर्फ आत्मनिर्भर होंगी बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत होकर अपने परिवार के भरण पोषण में अहम भागीदारी निभा सकेंगी। खबर सहरसा से है, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ चले अभियान में सभी ग्रामीण DIG शिवदेव लांडे और SP लिपि सिंह के कार्यालय पहुंचे और एकजुटता के साथ प्रदर्शन करते हुए जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को अपने वार्ड गांव सहित पूरे पंचायत में शराब सहित नशे के कारोबार में संलिप्त कारोबारियों और उनके समर्थकों के नाम को चिन्हित कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही नशे के कारोबारियों और उनके संरक्षक पर कार्रवाई की भी गुहार लगाई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत से यह कार्य होता आ रहा है। जब हम लोग पुलिस के पास जाकर शराब कारोबारी को चिन्हित करते हैं तो पुलिस उल्टा ही तुम लोगों पर ही केस दर्ज कर देती है। समुचा ग्रामीण तंग आके उस गाँव में यह स्थिति है, जो बेटा कोरेस की आदत में बेटा बाप को बाप समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अशांत होके समुचा समाज के द्वारा जनप्रतिनिधि को जो चुने थे महेश्वर साहु के द्वारा 23/7/2022 को पुलिस अधीक्षक उत्पाद अधीक्षक पटना सब जगह एप्लीकेशन दिया गया था, जिस कारण में एक दो रोज मैसेज कुछ लोगों ने
गाली गलौज और धक्का मुक्की किया तो बलराम पासवान अपना मुकदमा दर्ज करवाए महेशी थाना में जाकर, जिसका केस नंबर 353 है। और उसी केस के अभियुक्त के द्वारा पोखरभिंडा गांव के जगदीश शाह को आगे करके एक झूठा मुकदमा वहां के गणमान्य लोगों, पूर्व मुखिया, पूर्व उप मुखिया जो उस वार्ड के वार्ड सदस्य भी हैं, इन लोगों पे, पांच लोगों पे मुकदमा झूठा करवा दिए। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीवाद ओपी क्षेत्र के काटा स्थित काटा गांधी चौक पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा अचानक गायब हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में ये बात आग की तरह फैलने लगी और लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि सूचना के बाद पहुंची बेनीवाद पुलिस ने आसपास तलाश की तो लगभग 24 घंटे के बाद पास के ही जंगल में उनकी प्रतिमा फेंकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पाया कि बहुत लोग सब यहाँ पे जुटे हुए थे, तो लोगों का कहना था कि जो मतलब गांधी जी चोरी हो गया, तो उसका एक हिस्सा जो है यहाँ नीचे पर पड़ा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, वो पड़ा हुआ था। तो हम प्रशासनिक स्तर से जो है हम काफ़ी मतलब उसी टाइम से जब लोग कहने लगे तब हम थे और हमारे एक और साथी चौकीदार थे, दोनों आदमी मिल करके हम लोग खोजबीन किए, ग्रामीण भी खोजबीन किए, लेकिन जो है गांधी जी का प्रतिमा नहीं मिला। यहाँ पे रखा हुआ था गांधी जी, ये तो 50 साल से है। 50 साल, हाँ जी। इस तरह से जो घटना हुई है तो मतलब ये तो बड़ी दुखी की बात है। तो एक बड़ी आरो लाठी धक थे, उनको भी काट को बिंग दिया गया। इतने और चाल पहले गांधी जी का एक और प्रतिमा था, पहले तोड़ कर बहुत पहले 87 टाइम, फिर उसके बाद अभी घटना। तो ऐसे प्रशासन से क्या मांग है? मांग है कि कम से कम वो आदमी के पकड़े। प्रतिमा स्थापित थी, कुछ सामाजिक अराजकता और द्वेष भावना फैलाने वाले कुछ अराजकता तत्व के लोगों ने यह दुस्साहस किया और 31 दिसंबर को रात में जो है सो महात्मा गांधी के इस प्रतिमा को खंडित कर दिया और खंडित करके इसके दूर किसी इलाके में जाकर फेंक दिया। यह जो है सो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता अराजकता फैलाना और द्वेष भावना फैलाना और सामाजिक परिस्थिति को, समाज को खंडित करना उनका ये लक्ष्य है। द्रव्य जो है वो चोरी करके तोड़ के हाथ का जो है एक शेष यहाँ पे पड़ा हुआ है और चोरी करके ले गया। हम सबको 1 तारीख को सुबह जो है मॉर्निंग में जो है सभी आदमी जुटे तो देखे प्रतिमा नहीं है, वही 6-7 बजे के करीब में सभी आदमी जुटे तो प्रतिमा नहीं है, तो उस पर छानबीन किया गया भाई कौन तोड़ा। तो इसको सूचना जो है अपने ग्रामीण में जो है चौकीदार उनको दिया गया, तो उनको दिया गया सूचना, उनके बाद थाना को सूचना दिया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। Thank you.
के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेतिया के बगहा में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन को लेकर बगहा नगर परिषद संघ अध्यक्ष बिमलेंदु सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति में निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन संघ बिहार के डीलर्स के अनुसार 8 दिनों तक वितरण नहीं किया जाएगा। मुन्ना सिंह ने बताया कि दिसंबर 2022 का एनएफएसए का पैसा वापस किया जाएगा। ने बैठक किया है, इसमें जो है जो भी हमारी मांग है वो लिखित रूप में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने अवगत करा दिया है, क्योंकि दिसंबर माह का जो भी आवंटन है वो हमारे डीलर एसोसिएशन के तरफ से सभी लोगों ने पैसा जमा कर दिया है। उनका पैसा विलंब खाता में आना चाहिए, उसके बाद ही फ्री का राशन बांटा जाएगा। और सभी लोग एकजुट होकर सभी लोग अपना पोस मशीन जो है आज से और अभी से जो है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जमा करेंगे, और 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हम लोग जो है राशन का वितरण नहीं करेंगे। कारण है हड़ताल पर जाने का, हम लोगों को फ्री में राशन सरकार बंटवाती है। आज तक 2020 से बंटवाई, आज तक मार्जिन मनी नहीं थी किसी की। हमारे सफल डीलर मर गए कमाते कमाते, पैसा नहीं मिला, फिर कहते हैं सरकार की फ्री में बांटो। तो जब तक हम लोग हर मंथ जो है कमीशन नहीं देगी तो हम लोग काम करने लोग भी अपने बगहा नगर परिषद में उनके आह्वान पर हड़ताल 1 से 9 तक कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह हड़ताल जारी रहेगा। नालंदा पुलिस ने मनरेगा कर्मी के घर हुई लूट का खुलासा किया है। सदर एसडीपी डॉक्टर सिबली नोन मानी ने एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटे गए जेवरात और अन्य सामानों को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्त की पहचान की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अपराधकर्मी दूध देने के बहाने घर में प्रवेश किए थे और जो घर की मालकिन लेडीज थी उनको ओवर पावर करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कैश, ज्वेलरी और अन्य सामान को लूटा गया था। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और एक टीम बनाकर हम लोगों ने इस अज्ञात कांड का त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। नालंदा के बेना थाना क्षेत्र इलाके के चंदौरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध की आग से जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीण ने घटना की सूचना स्थानीय बेना थाना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेना थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने गांव में आकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, तो वहीं आर्थिक सहायता राशि के तौर पर ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दिन में नहीं निकले तो हम लोग देखे तो उनका गेट लगा हुआ, जला हुआ गेट है, तो देखे खोल के तो पूरा आग लहका हुआ है नीचे अंदर रूम में। क्या शंका जताया जा रहा? शंका ये जता रहा है कि इनको लगता है आग लग गया घर में, उसे जल गया, मर गया तापने में, आग तापने में आग के कारण मर गया, पूरा रूम जला हुआ है। नवादा गोविंदपुर थाना के माधोपुर गांव निवासी की ट्रैक्टर से दब जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का ट्रैक्टर गड्ढे में फंस गया और ट्रैक्टर पलट गया, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पावापुरी विम्स रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल ले गए और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई। नवादा के वारिसलीगंज थाना के युवक की गांव में बने तालाब में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है
कि विजय सिंह शौच करने गए थे और तालाब में गिरकर डूब जाने से उनकी मौत हो गई। वारिसलीगंज थाना की पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। ठंडे का मौसम था, उसमें ओगरा गया और डूबने से मौत हो गई। क्या नाम था उनका? विजय सिंह नाम था। कहाँ का घटना, कहाँ का? कुछ गाँव कहाँ? कुछ गाँव कौन पुल बोलो है बाबू? खरा नदी बोलो, जो पुल है उसी जगह गड्ढा है उसी। खबर हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़ी यूसुफपुर मोहल्ले की है, जहां एक चोर के घर से साइकिल की चोरी करके ले जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ गांव के लड़कों ने उसे चोर को पकड़ लिया और घर पर ले जाकर पूछताछ किया। इस घटना की जानकारी औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस को दी गई और घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर चोर को अपने साथ लेकर थाना चली गई। साइकिल लेके यहाँ से जा रहा था तो हम देख लिए कि साइकिल लेके कोई आ रहा था, उसको नहीं पहचानते तो हम पकड़ लिए। अच्छा, वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। घर? बड़ी सुकु। पापा का नाम? प्रमोद कुमार। तो साइकिल कैसे तुमने यहाँ से पकड़ा? साइकिल वो लड़का लेके जा रहा था। कौन लड़का था? चला गया, तुमने भाग गया था उसके जम छीने। घर कहाँ है तोरा? जरुआ में। बाबू का नाम? जगदीश महतो। अच्छा, तोरा नाम? हमारा नाम है विशाल। घर जरूर बैठूला। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है।